पंजाब असेंबली में दोबारा हंगामाराई शुरू। मुस्लिम लीग नून के अराकीन सीटों से उठकर स्पीकर के डाइस के सामने आ गए। हंगामाराई तहरीके इंसाफ की एक खातून के रुकन के वोट दिखाने पर शुरू हुई है। आपको बताएं कि हंगामा जो है वो जारी है। तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी, क्या मनाजिर हैं? पंजाब असेंबली में दोबारा हंगामाराई का आगाज। मुस्लिम लीग नून के अरकान सीटों से उठकर स्पीकर के डाइस के सामने आ गए हैं। हंगामाराई तहरीक इंसाफ के खातून रुकन के वोट दिखाने पर शुरू हुई है। स्पीकर ने वोट जो है वो कैंसिल कर दिया है। पंजाब असेंबली में दोबारा हंगामाराई शुरू कर दी गई है और इसके मुस्लिम लीग नून के अरकान सीटों से उठकर स्पीकर के डाइस के सामने आ गए हैं और हंगामाराई तहरीक इंसाफ के खातून रुकन के वोट दिखाने पर शुरू हुई और स्पीकर ने वोट भी कैंसिल कर दिया है। आज इंतखाब जारी है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पंजाब असेंबली में और पोलिंग के दौरान ये हंगामाराई जो है वो सामने आई है। एक खातून ने जो है वो अपना वोट दिखाया था और वोट दिखाने पर ये हंगामा शुरू हुआ। तहरीक इंसाफ की खातून रुकन थी जिन्होंने वोट दिखाया, स्पीकर ने वोट भी कैंसिल कर दिया। पंजाब असेंबली में दोबारा हंगामाराई शुरू हो चुकी है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अरकान सीटों से उठकर स्पीकर के डाइस के सामने आ गए हैं। हंगामाराई तहरीक इंसाफ के खातून रुकन के वोट दिखाने पर शुरू हुई, स्पीकर ने वोट भी कैंसिल कर दिया है। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरला है, पोलिंग जारी है। खातून रुकन थी पंजाब असम्बली की तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने वोट दिखाकर जो है वो कास्ट किया जिस पर जो है वो ये हंगामाराई सामने आ गई और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं, जो अरकान असम्बली हैं, वोट स्पीकर डाइस के सामने आ गया और स्पीकर ने वोट भी जो है वो कैंसिल कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के अरकान सीटों से उठकर स्पीकर के डाइस के सामने आकर एहतजाज कर रहे हैं और हंगामाराई तहरीक इंसाफ के खातून रुकन के वोट दिखाने पर शुरू हुई, स्पीकर ने वोट भी कैंसिल कर दिया है। आज ये मनाजिर आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर पंजाब असम्बली के हैं जहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला जारी है, पोलिंग जारी है और खातून रुकन थी जिन्होंने वोट दिखाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और उन्होंने वोट दिखाया तो उसके बाद ये हंगामा सामने आया, स्पीकर ने वोट भी जो है वो कैंसिल कर दिया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए इंतखाबात जारी हैं। पंजाब असेंबली के मनाजिर आप देख सकते हैं, डाइस के सामने एहतजाज किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबरान की जानिब से और स्पीकर ने वोट कैंसिल किया क्योंकि खातून ने वोट के तकद्दस को पामाल किया और उन्होंने जो है वो खिलाफ कानून काम किया, सबको दिखाकर वोट कास्ट किया।